अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि नैंड गेट पढ़ा है। नैंड गेट क्या पढ़ा था कि एंड होता है प्लस नॉट होता है। वैसे ही अगर हम लोग नॉर गेट की जब बात करते हैं तो नॉर गेट के बारे में अगर हम लोग पढ़ने जाए तो समझ के यहाँ पे हम लोगों ने नॉर गेट लिखा। तो नॉर गेट का सिर्फ सिंपल सा मतलब ये होता है कि मेरे को भैया और गेट कर दो और फिर प्लस नॉट गेट कर दो, मतलब कि पहले और फंक्शन परफॉर्म कर लो और फिर क्या करो कि इसी फंक्शन को नॉट कर दो, मतलब इन्वर्ट कर दो। तो हम लोग अगर देखने जाए कि नॉर गेट कैसे परफॉर्म करते हैं, इसका डायग्राम क्या होता है, तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा कि हम लोग को सिंपल से क्या करना है, एक और गेट बना लेना है, और गेट के आगे नॉच डाल के इसको आउटपुट दे देना है। ये हो गया आउटपुट, ये हो गया इनपुट। तो देख हम लोग इसको समझाएंगे, लोग कैसे समझाना हो तो, कि पहले हम लोग को क्या करना है कि और गेट लेना है, और गेट को क्या करना है हम लोग को आउटपुट देना है। आउटपुट देने के बाद से जो और गेट का आउटपुट मिला उस आउटपुट के हम लोग को क्या करना है कि एंड गेट में देना है, और एंड गेट से जो आउटपुट जनरेट होगा वो होगा नॉर का, ये होगा एंड का, और ये होगा तुम्हारा इनपुट। मतलब इनपुट गया तो और हुआ, सॉरी नैंड लिखा था मैंने, इनपुट गया तो और हुआ और से फिर नॉर हुआ। तो हम लोग देखने जाएगा ट्रूथ टेबल की बात करें इसकी, तो ट्रूथ टेबल हम कैसे बना सकते हैं कि एक तो हम लोग और का ट्रूथ टेबल बनाएंगे और फिर इस ट्रूथ टेबल को हम लोग क्या करेंगे कि निगेट कर देंगे, मतलब कि उसको इन्वर्ट कर देंगे आउटपुट। तो ये हो गया नॉर का आउटपुट और ये हो गया और का आउटपुट। इनपुट देखें हम लोग, तो इनपुट हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे, सॉरी थोड़ा लाजिक, ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया तुम्हारा बी और ये हो गया तुम्हारा आउटपुट। बनाने जाए हम लोग तो क्या बोलेंगे, 0011 0101। अब और गेट क्या बोलता है कि मैं आउटपुट तभी प्रोड्यूस करूँगा अगर एक भी इनपुट जो है वो हाई है, तो आउटपुट मेरा हाई होगा। तो यहाँ पे दोनों इनपुट 0 है तो 0 हो गया, बाकी यहाँ पे भी वन इनपुट हाई है, वो यहाँ पे वन इनपुट हाई है, तो यहाँ पे तो दोनों इनपुट हाई है तो हो गया 1 1 1। अब इसको हम लोग नॉर करने जाए तो नॉर में क्या होगा कि यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि 0 का इन्वर्ट जन 1 होगा, उसके बाद ऑल हो जाएगा 0 0 0, क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 है। अब हम लोग देखने जाए नॉर गेट का क्या सीन है, तो नॉर गेट को क्या बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑल इनपुट क्या है 0 है तो यहाँ पे 1 है, तो क्या बोल सकते हैं, इट प्रोड्यूस ट्रू ट्रू इफ ऑल इनपुट इज फॉल्स। यहाँ पे जब मैं फॉल्स बोल रहा हूँ तो 0 समझ लो, ट्रू बोल रहा हूँ तो 1 समझ लो, ठीक है ना। तुम लोग का मतलब मैं समझाने जाऊँ तो ये हो जाएगा कि जब ऑल ऑल बिट है या ऑल पिन है, जो ऑल पिन है वो 0 है तो आउटपुट 1 है, और कोई कोई एक भी पिन, एटलीस्ट वन वन भी पिन 1 है तो आउटपुट तुम्हारा 1 है, सॉरी आउटपुट तुम्हारा 0 है। तो हम लोग प्रॉपर अगर डेफिनेशन देखने जाए इसका तो क्या बोलते हैं, लिखना होगा हम लोगों तो क्या लिखेंगे, नॉर गेट इज द अपोजिट ऑफ और गेट, इट प्रोड्यूसेस ए लो आउटपुट इफ एटलीस्ट वन ऑफ इट्स इनपुट इज हाई। अब अपोजिट और गेट का कैसे हुआ, और गेट क्या बोल रहा था कि एटलीस्ट 1 है, 1 आउटपुट इनपुट जो है वो हाई है तो मैं हाई हूँ, और ये क्या बोल रहा है अगर एटलीस्ट 1 इनपुट भी लो है तो मैं हाई हूँ, ये क्या बोल रहा था, हाई है तो हाई हूँ, ये बोल रहा है लो है तो हाई हूँ। तो ये हो गया इसका अपोजिट। तो नॉर गेट जो होता है वो नॉर गेट जो होता है वो और गेट का अपोजिट होता है। ट्रूथ टेबल मैं तुम लोग को यहाँ पे समझा चुका हूँ कि कैसे हम लोग को और गेट में जाना है, और गेट का लॉजिक बना के उसको इन्वर्ट कर देना है, और उसी के लॉजिक को थोड़ा सा ये इसने, ये और गेट वाला छोड़ के सीधा इसने क्या किया है कि एक्स गेट बना दिया, जिसका मतलब भी हम लोग निकालने जाए बिना और गेट का भी अगर देखने जाए तो क्या हम लोग कर लेंगे, लोग अगर ऑल सारा इनपुट 0 है, ऑल इनपुट तो 1 कर देना है, बाकी सब में
जीरो 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 कर देना। उम्मीद है तुम लोग की और गेट नॉर गेट समझा होगा कि क्या होता है। यह है उसका बूलियन एक्सप्रेशन। अगर याद करना हो तो उसमें और गेट में क्या करना है, लॉजिक डायग्राम याद करना है। लॉजिक डायग्राम में तुम लोग को अगर देखें तो और गेट के सामने क्या करना है, नॉच डाल देना है। यन नो आर है ना, तो इसको नॉच समझ लो कि नॉर बोल रहा है तो नॉच और नॉट और, जो भी तुम लोग को याद करने के लिए समझना हो। अगर डायग्राम जैसे भी तुम लोग बेसिक वे में समझ जाओ तो समझ लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स। Oh, 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 oh